मैं हूँ आपका दोस्त रंगलाल मेहता, जैसा आप कहते रहते हैं, और आप हैं मेरे दोस्त हरीश बाली। बहुत खूब, आपके चेहरे पर छाई रहती है हमेशा लाली, और आप नहीं बैठते कभी खाली, सुन लिया आपने, और न रहती आपकी जेब कभी खाली, खाने में भी भरी रहती है आपकी थाली। आपने दुर्लभ जगह हमें दिखा डाली, आसाम, खासी, गुजरात, वो तटीय कर्नाटक की सिद्धि और किन्नौर के लोगों को नचवा दिया और बजवा दी ताली। वाह वाह रे हरीश बाली, आपने किसी की बात नहीं टाली, आपने खूब प्रसिद्धि पाली। और देखो, आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हो ना, आप बहुत मजबूत और बढ़िया आदमी हो, सब जगह जाते हो, और नदी के उत्तर भी पहुंच जाते हो किनारे पर, लेकिन हार नहीं मानते। अब नाउ समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लिसन, योर हेल्थ एंड हाइट वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, योर स्टेमिना वेरी गुड, स्माइल सो गुड, एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स एंड प्लेसेस, योर बॉडी लैंग्वेज इज टू गुड, योर एक्साइटमेंट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, अनएक्सपेक्टेबल थिंग्स एंड प्लेसेस, एक्सेलेंट, कमांड ऑन लैंग्वेज काबिल तारीफ, ऑब्जर्वेशंस द थिंग्स वेरी नाइस, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकल स्पीच वेरी वेरी क्लियर एंड कमांडेबल। आप हिंदी के प्रचार पताका लिए हुए हैं, आपने दिखाया देश को आखिरी ढाबा, सबसे ऊंचा स्कूल, सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, वो सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप। आपके एक्सप्रेशनल वर्ड्स हैं, ओ गॉड, ओ व्हाट अल्टीमेट, व्हाट ए व्यू, क्या सीन है, सोचो और देखो, ये बादल, ये पहाड़, ये बर्फ, ये ऊंचे ऊंचे पेड़, सो नाइस, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, और सो गुड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी ऐसा खाया नहीं, आदि आदि, वाव, सुपर, हमें दिखा दिया आपने काजा, और आपने खाया शासन गिर का गुड़ और केसर आम का मजा, हमें दिखला दिए लाहौल, स्पीति वैली, किन्नौर, पेडन वैली, और कुंजुम, रिकोंग, लांगजा, हिक्केम, मैकडोलगंज। हाँ तो देखो हरीश बाली जी, आप गजब के आदमी हो यार, मैं अपना दिल और दिमाग एक डोरे से सुई से सी कर ये कह सकता हूँ कि आप यू आर ए फुल, यानी एक बहुत बड़े इंसान, एक फुल मैन, बढ़िया चलेंगे। अब कितनी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते थे, दिखा दी, कुंजम, रिकोंग, लांगजा, हिक्किम, मैकडोलगंज, धर्मकोट, केलांग, और उस नदियों के नीचे तक आप पहुँचे हो जो ऊपर से लेकर नीचे तक थकते नहीं है। गंगोत्री के यार उस ग्लेशियर पे गए हो, जहाँ पाँव धसक जाता तो बड़ी मुश्किल बीत जाती, लेकिन नहीं, चलेंगे वो पहाड़ पे, चलेंगे वो माता जी के दर्शन करने चलेंगे, चलो भाई, और चल देते हो, थकते नहीं हो, आप में तो गजब का काम है यार। अब मैं जो है कुछ बातें बताता हूँ। हाड़ौती क्षेत्र में जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान का हिस्सा है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, आपने तो पढ़ा हुआ, आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप जो है वो पूरे पौराणिक ज्ञान भी रखते हो, आप जहाँ जहाँ जाते हो तो वहाँ का पूरी तरह से जो है, जैसे जितने ही आपने देखे सी बीच,
वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर, उनकी गाथाएं, ये सब याद है। तो ये वहाँ पर कई किले, परकोटे, गढ़, पैलेस और फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। और दुर्लभ किले तो दो तीन हैं जो आपके कई कई किले देखे होंगे, उनमें से भी एक हैं। और बांध हैं, चंबल नदी के बांध हैं, राणा प्रताप सागर का कोटा, हैंगिंग ब्रिज है कोटा का, ऐतिहासिक कई चीज़ें हैं। और देखो, यूँ तो मैंने भी कई चीज़ें देखी है। तो मैं 1955 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में था, तो पूरा यूपी देखा, बिहार देखा, पटना वगैरह, वर्धमान, शांति निकेतन, श्री निकेतन, और फिर पुरी और कलकत्ता वगैरह, ये सब। इसके अलावा पंजाब और हिमाचल, चम्बा मेरी फेवरेट प्लेस है, जो आपकी भी, आपने कई बार चम्बा दिखाया। और चम्बा के आप चप्पलों वाली दुकानों में, पीतल वाली दुकानों में, और वो एक हम बाबा जिसको कील रखा था वो देखा, और चामुंडा देवी ऊपर भी गए, मैं भी गया, और चम्बा में देखा, धर्मशाला गया, बक्शनाथ का मंदिर गया, और उसके बाद जो धौलाधार से झरना आ रहा है, नीचे कुंड है, उस कुंड में मैं नहाया हूँ, और मैं ठंड के मारी कांगड़ा देखा, और इस तरह से अनेक अनेक बातें हैं। लेकिन यह है कि एक बार आपको आना ही पड़ेगा, मेरी रिक्वेस्ट है। और लेख भी पढ़े और उनके दिखाई हुई चीज़ें भी देखी। एक राजस्थान का ब्यास कोई बीकानेर का चलता अपनी मिसेज को लेकर, वो भी देखा। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं कह सकता हूँ कि आप 4H का ध्यान रखते हो। 4H का मतलब हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। हेड, हैंड, हेल्थ एंड हार्ट, हेल्थ, हार्ट। इनके अनुसार आपका ये पूरी तरह से बढ़िया काम करते हैं, और इनके एक डोरे में पिरोते हुए आप सब काम करते हैं, देखते हैं। कोई जगह नहीं छोड़ी, और आपने कोई खाना नहीं छोड़ा, और आपको इतना पसंद है कि आप एक चीज़ की जगह के दूसरे जगह का भी स्वाद का आपको पता है। अगर आपको एक जगह का जो है कोई अनाज, जैसे रागी दक्षिण भारत में बोलते हैं, वैसे आपके हिमालय में मड़वा बोलते हैं, इसी तरह की अनेक अनेक तरह की चटनियाँ वगैरह भी है। तो आप सारी चीज़ों का संबंध में संजय से बढ़ा कर और ऑनेस्टली और अलर्ट बुद्धि से तल्लीन होकर काम करते हैं, ये फ्लटरी नहीं है। यूँ तो कई जगह ऐसी है जो मैंने देखी है, मैंने बताया आपको, मैंने पंजाब और हिमाचल भी काफ़ी जगह देखा, इसके अलावा अनेक अनेक जगह गया हूँ। और मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, माय डियर बाली, आई रंगलाल मेहता, एज 92 एंड ओल्ड मैन फ्रॉम कोटा, इनवाइट यू फ्रॉम हार्ट ऑफ हार्ट्स टू एक्सप्लोर द थिंग्स जस्ट एज फोर्स प्लेसेस, रिवर्स, डैम्स, हेरिटेज और कोटा, बूंदी, झालावाड़ एंड अदर्स, प्लीज कम एंड ओब्लाइज एंड विशेष तौर से मेरे घर पर आकर आपको चटनी रोटी खानी पड़ेगी। और आप समझते हैं, मैंने टीवी पर अन्य चीज़ें देखना बंद कर दिया, कई एपिसोड बंद कर दिए, कई सीरियल्स बंद कर दिए, मैं केवल अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति और हरीश बाली का एक्सप्लोर टू, वीसा एक्सप्लोर टू देखता हूँ। मैं आपको लाइक करता हूँ, लाइक करता हूँ, लाइक करता हूँ, और किया है। और मैंने आपको क्या शेयर किया है, और मैं आगे से आने वाले भी, पीछे तमाम जितने भी एपिसोड है मैंने देखे और जो देखूंगा, उसके लिए जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं उसको लाइक करता हूँ। ये मेरे लिए इन एडवांस आप लिख लीजिए कि आपकी तमाम यात्राएं जो आप एक्सप्लोर करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, और आपकी शक्ल देखते मैं आनंदित हो जाता हूँ।
और जो है मेरी मिसेज भी देखती है और मेरे परिवार वाले भी काफ़ी देखते हैं और मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हरीश भाली, आपके फॉलोवर्स ऐसे ही बढ़ते रहें, बहुत जल्द आपके 10 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएं और बढ़ते रहें, 100 मिलियन फॉलोवर्स तक आप पहुंचें। बहुत बढ़िया आपका चैनल चल रहा है इस समय, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे फॉलोवर्स आपके बना लिए हैं और क्यों ना बने। ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं रंगलाल मेहता, ये रेगुलरली आपके वीडियोस को देखते हैं, इन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया है, बहुत सारे सीरियल्स ये देखते थे लेकिन अब सिर्फ यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप इन्होंने सिर्फ आपकी वीडियोस देखने के लिए ली हैं। ये रंगलाल मेहता हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं एजुकेशन शिक्षा विभाग से, और प्रसिद्ध राजस्थान में प्रसिद्ध व्यक्ति थे और राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इस समय कोटा राजस्थान में, हम कोटा राजस्थान में ही रहते हैं। आपको आना है ज़रूर आना है, कोटा में आना है और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं इसलिए ये वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोटा की कचौरी, कोटा का कोचिंग, कोटा का डोरिया, कोटा स्टोन, ये कोटा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। आप जब भी विजिट करें राजस्थान तो आप कोटा ज़रूर आइएगा, कोटा काफ़ी विकसित शहर अब हो गया है और आने वाले समय में इंडिया का ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनने वाला है, यहाँ पे आने वाले समय में कोई भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं होंगी। अब मेरी एक बात कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसी हालत में मेरा फ़ोन 9460555407 है। अगर कभी समय निकाल कर सोते वक्त, क्योंकि मैं आपका सीरियल देख कर ही सोता हूँ, आपकी वो एपिसोड, तो उस वक्त एक मिनट के लिए बात कर लें तो बहुत बढ़िया। आपने आम तो बहुत प्रसिद्ध हैं लेकिन केवल आपने कन्याकुमारी में आम की फांस चीर कर खाई है, आप रत्नागिरी के आम के बहुत प्रसिद्ध करते हो, आपने वहाँ के मोदक, आम के मोदक भी खाए हैं और चेरी के भी आम मोदक खाए हैं, लेकिन अच्छा ऐसे ही जो है अगर लद्दाख में जाओ या लाहौल स्पीति में फिर जाओ तो वहाँ पूछना चेंग की क्या होती है। चेंग एक जौकी शराब होती है जो वहाँ के ठंडे इलाके में पी जाती है और गर्मी रहने के लिए बर्फ़ के इलाकों में चेंग पी जाती है, ये है। और विशेष तौर से मैं देखना चाहूँगा कि अब के वक्त आप आम जो है केसरी आम जूस के बजाय आम की फांक चीर चीर के आप उसको सेवन करेंगे और भोजन में नींबू का भी ज़्यादा प्रयोग करेंगे। वैसे पहले कई जगह तो आपने किया नहीं, पर वैसे आप मीठे के बहुत शौकीन हैं ये बात तो मैंने देख लिया, पर यूँ ज़्यादा थोड़ी खाते हो, यहाँ तो दिखाते हो खूब खाते हैं लेकिन बाय।